मनसा सेवा के बारे में बीज रूप स्थिति के बारे में अभी हम जानेंगे बीज रूप स्थिति के अंदर स्थित रहने के लिए एकाग्रता का शक्ति को बढ़ाओ पहले अपने शरीर से आत्मा अशरीरी बनकर बाहर निकलने के लिए आप मनोशक्ति को यूज करो हमारे शरीर पांच तत्वों से पिंजरा से बंधी हुई है इस पिंजरा से आत्मा को हलक निकालो ये मस्तक जो जो विराजमान बैठा हुआ आत्मा उससे इस शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को ऊपर आने के लिए आपने संकल्प शक्ति का कर यूज़ करो फिर अपने शरीर से बाहर निकल के अपने सर को ऊपर आना ये सेकेंड स्टेज होता है पहले स्टेज होता है परमात्मा परंदा में रह रहे हैं और मैं आत्मा इस शरीर में ब्रिकटी के बीच में विराजमान है ये फर्स्ट स्टेज और उस स्थिति से बाहर निकलकर अपना शरीर से अलग होकर हमारे सर के ऊपर डिटैच होकर रहना यह सेकेंड स्टेज रहता है इस स्टेज में आना ही सबसे सक्सेसफुल स्थिति कहा जाता है क्योंकि शरीर के अंदर रहना योग करना वो वो है ही हर एक बिके करते हैं लेकिन इस शरीर से डिटैच होकर बाहर निकाल कर बनकर बाहर निकाल कर रहना ये सेकंड स्टेज में आता है उस स्थिति में रहकर फिर आपने अपना धारा को बनाना है धारा मीन्स क्या है आत्मा परमात्मा को याद करते हैं उसको राजयोग कहते हैं आत्मा परमात्मा के साथ जब संबंध जोड़ता है परमात्मा ज्योति बिंदु से महात्मा बिंदु का बीच में एक याद का लकीर याद का जो है पात्र पात्र मतलब रास्ता जो बनता है पवित्रता के किरणे का जो धारी है वही हमारा जो मतलब दोनों आत्मा परमात्मा के जोड़ने में मदद करता है वो परमात्मा की शक्ति हमारा आत्मा तक पहुंचना में ही राजयोग कहते हैं जब उसी रास्ता से जो परमात्मा की किरणों के जो रास्ता है उसी द्वारा हम ऊपर चढ़ना है कोई भी चीज़ दुनिया में हर चीज़ दारी का अलावा कोई नहीं जा सकता है साइकिल वाला भी रोड के बिना क्रॉस नहीं कर सकता साइकिल चला नहीं सकते बाइक वाला भी रोड के बिना बाइक चला नहीं सकते कार वाला भी रोड के बिना कार को चला ही नहीं सकते ट्रेन भी पटड़ी के अलावा बिना वो ट्रेन चला नहीं सकते शिप के अंदर भी शिप मार्ग भी इसको दारी कंपास का कंपास का जो है मार्ग से ही जाता है वो भी शिप रूट मानते हैं उसके भी रूट रहता है और एरोप्लेन रहते हैं वो भी अपना कंपास के द्वारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एयर लाइन बोलते हैं जो लाइन बोलते हैं वही रास्ता है दारी है इसी तरह से आत्मा भी पारंदाम जाने के लिए एक रास्ता तय करना है उसी के बाबा भी बोलते हैं यात्री यात्री का मतलब रात की राही तक मत जाना जो रास्ता जो बनाने के बिना आत्मा भी पराम नहीं जा सकता है हर चीज़ के लिए दारी चाहिए हर चीज़ के लिए रास्ता चाहिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड चाहिए रोड के बिना कुछ नहीं जा सकता वो एयर हो या पानी हो या जमीन हो कहीं भी हो उसका रास्ता बनाना है इसी तरह से आत्मा परंदाम जाने के लिए परमात्मा के किरणों का दारी से आपका गुजरना होगा ये नहीं कि जो हर जो हमारा बीकेस में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर अधिकतर ये दिखाते हैं पिक्चर में दिखाते हैं आत्मा उड़कर कर परंदाम जाती है आत्मा ऑटोमेटिक अपने आप उड़ नहीं सकता उसका शक्ति चाहिए फ्यूल चाहिए जो फ्यूल के बिना कोई चीज़ सूट नहीं सकता जैसा कि स्थूल साधना में बैटरी रहती है या करंट रहता है इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसके बिना कोई चीज़ सूट नहीं सकता फ्यूल चाहिए जैसा आत्मा के अंदर भी परमात्मा का किरणों से फ्यूल चाहिए फ्यूल बरना पड़ता है जब आत्मा बरते हैं उतनी शक्ति से आप उतना परंदाम तक जाने का फ्यूल पूरा नहीं होता परमात्मा के किरणों का जो शक्ति से आपने कनेक्टेड हो के फिर परमदाम तक आप पहुंचाना है जब ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको पक्का शक्ति चाहिए वो शक्ति परमात्मा किरणों का ये दारी है फिर उसी दारी से आप ऊपर चढ़ के जाना है फिर आपने सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज तक पहुंचना। थर्ड स्टेज क्या होता है जब आप परंदाम जाते हो ये ये सूक्ष्म आपने यहाँ भी ये स्थूल वतन में रहते हो फिर आपने स्थूल वतन को क्रॉस करके जाना है फिर ऊपर से जाएंगे तो परंदाम का जो है गोल्डन कलर का जो है उस वायुमंडल में आप गुजरते हुए ऊपर जाना है जब ऊपर जाएंगे परमात्मा किरणों के बीच जैसा बादल का जो सफ़ेद बादल है उसके बीच में से गुजरते हैं वैसे परमात्मा के किरणों का बादल का अंदर गुजरते हुए परमात्मा जहाँ बीज रूप है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको और तय करना पड़ेगा आपको और आप ऊपर जाते रहेंगे और परमात्मा का पवित्रता का किरणों का अग्नि का शक्ति मतलब डेंसिटी और ज़्यादा होगा जैसा कि अग्नि के कुंडली में बाहर रहते कुछ सेक रहता है थोड़ा नज़दीक जाने से थोड़ा ज़्यादा सेक बढ़ता है और क्लोज जाएगा तो ज़्यादा सेक बढ़ता है और अंदर जाने से वो जल जाता है इसी तरह से अब परंदा में आपने जब गुजरेंगे फिर वहाँ एक शक्ति परमात्मा किरणों का परमात्मा जो पवित्रता का किरणों के शक्ति से अंदर आप गुजरते जाएंगे गुजरते जाएंगे फिर आत्मा का अंदर का आपका काद मन बुद्धि संस्कार का अंदर जितना भी काद है वो भी उसका असर होते रहेगा फिर आप जब जाएंगे ऊपर जाना पड़ेगा आप सोचिए एक चीज़ को आप ठंडी चीज़ को ऊपर आपने यूज़ करेंगे उसका ट्विस्ट रहता है जैसा आपने कपड़ा है आपने शर्ट है फैंट हो उसको आप दो के सीधा आप पहनेंगे उसके अंदर जो है ज़्यादा ज़्यादा फोल्ड रहती है अब वो बहुत गंदा दिखता है उसको क्यों बिना आए आय, आयरन करते आप पहन नहीं सकते इतना वो खराब निछोड़ वो आ रहता है उसी चीज़ को आपने आयरन बॉक्स में आप हीट करते हो बिजली चढ़ाते हो फिर वो थोड़ा गर्मी उसमें अंदर जो है हीट बढ़ता है थोड़ा हीट में आप करेंगे तो वो शर्ट का जो ट्विस्ट है जो उसका उसका फोल्ड्स है वो नहीं निकलेगा थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन इतना नहीं करेगा और थोड़ा ज़्यादा आपने हीट बरते हो आयरन बॉक्स के अंदर फिर उसको करते हो वो आयरन का वो हीट से उसका परिवर्तन होता है वो ट्विस्ट वगैरह उसका जो है वो पूरा निकल जाता है फोल्ड वगैरह जो निकल जाता है ज़्यादा हीट रहेगा तो क्या होगा ये शर्ट या फैंट दोनों जली जाता है उसका धुआं निकल जाता है इसी तरह से जैसा ये गर्मी को ही इतना पावर रह सकता है करंट को दोबारा आपने हीट दे सकते शर्ट को फैंट को जला सकता है इसी तरह से आत्मा जब में गुजरता है ये एक स्थिति में है आपका ही तो परमात्मा का पवित्रता किरणों का हीट थोड़ा रहता है और ऊपर जाएगा तो और बढ़ता है और परमात्मा के बिल्कुल निकट जाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल टच होने का इतना स्थिति में पहुंच जाएंगे इतना पूर्ण पहुंचने तक तो आप परमात्मा बाप का किरण है पवित्रता का किरण आपका आत्मा के अंदर जब आत्मा के अंदर परमात्मा किरण का शक्ति जब बढ़ती है सिक्सटी तेरे जन्मों का जितना भी पाप का जो बोझ है पाप कर्मों का जितना भी इसमें डिपॉजिट्स है वो पूरे के पूरा जलकर राग बन जाएगा वो स्थिति होगा आपका मन बुद्धि संस्कार आत्मा का मन बुद्धि संस्कार परमात्मा बाबा का साथ बिल्कुल क्लोज में रहना परमात्मा बाबा का साथ जब साथ रहेंगे आप उन, बिल्कुल निकट भी रहेंगे उसका संबंध बाप और बेटे का संबंध बाप और बेटे का संबंध में रहेंगे फिर आपका पूरे के पूरे स्वरूप जब स्थिति में आप आ जाएंगे बाप और आपका बीच में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि परमात्मा का बाबा का साथ आप बीज रूप में स्थिति में हो इसलिए दोनों का एक जैसा ही हो जाएंगे एक तरफ स्थिति हो जाएगा बापा और बेटा एक